सऊदी अरब वैसे तो कई ऐसे बड़े फैसले ले चुका है जिसकी वजह से कट्टरपंथियों को मिर्ची लगी है, लेकिन इस बार सऊदी अरब जो करने जा रहा है उससे तो कट्टरपंथियों के होश फाख्ता हो जाएंगे, कट्टरपंथियों की बौखलाहट बढ़ जाएगी। दरअसल सऊदी अरब में 20 अक्टूबर से रियाद फैशन वीक की शुरुआत होने जा रही है। सऊदी अरब के इतिहास में ये पहली बार है जब वहाँ इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है। इस फैशन शो में 30 ब्रांड अपने डिजाइन प्रदर्शित करेंगे। ये आयोजन 20 से 23 अक्टूबर के बीच होगा। कभी अपनी रूढ़वादी मान्यताओं के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब में हो रहे इस आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे पहले अप्रैल 2018 में भी एक बार इसका प्राइवेट आयोजन किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से निजी रखा गया। साथ ही एंट्री को लेकर भी काफी सख्ती बरती गई, जबकि इस बार फैशन वीक का आयोजन आधिकारिक सऊदी सरकार की मदद से किया जा रहा है। तेल से मिलने वाले राजस्व से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सऊदी अरब खुद को नए नए तौर तरीके से पेश कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब वैश्विक जरूरतों और भविष्य को देखते हुए सांस्कृतिक और फैशन क्षेत्र में खुद को विकसित कर पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इस फैशन वीक की भव्य आयोजन होने की उम्मीद है। हालांकि सऊदी के कट्टरपंथी लोग इस तरह के बदलाव का विरोध करते रहे। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी अरब तेजी से बदल रहा है। कच्चे तेल पर से अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करने के लिए सलमान ने कई रूढ़िवादी नियमों को या तो खत्म कर दिया या कम कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 इसी का एक अहम प्रोजेक्ट है। अप्रैल 2018 में भी सऊदी अरब में एक फैशन वीक का आयोजन किया गया था, लेकिन आयोजन निजी तौर पर किया गया था। इस फैशन शो में केवल महिलाओं को एंट्री दी जा रही थी, लेकिन इस बार का आयोजन सऊदी फैशन आयोग द्वारा किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि 20 से 23 अक्टूबर के बीच इस फैशन शो में सऊदी अरब की प्रमुख हस्तियां भी शामिल होगी। सऊदी फैशन आयोग के सीईओ बुरा ताकमक का कहना है, पहली बार हम इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमने स्थानीय फैशन ब्रांड के साथ साथ विदेशी ब्रांड को भी बुलाया है। सऊदी अरब दुनिया का अगला अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। ये शो हमारे क्रिएटिव टैलेंट को दिखाएगा, जिससे हमारे ब्रांडों को दुनिया के अन्य देशों के साथ जुड़ने का एक मौका मिलेगा। द स्टेट ऑफ फैशन इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरब 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सऊदी के फैशन उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2022 में सऊदी अरब की कुल GDP में फैशन उद्योग का 1.4% योगदान था, यानी सऊदी अरब में फैशन उद्योग का व्यापार लगभग 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर था। साथ ही सऊदी के कुल कामगार के लगभग 2% लोग यानी 2,30,000 लोग फैशन उद्योग में काम कर रहे हैं। 2021 से 2025 के बीच सऊदी अरब की GDP में फैशन का योगदान 48% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस उल्लेखनीय वृद्धि से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से सऊदी में कई बड़े सामाजिक बदलाव हुए हैं। जिस सऊदी अरब में पहले महिलाओं को हमेशा पर्दा यानी घूंघट बुरका नकाब या हिजाब में बाहर जाने की अनुमति थी, उसी सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई थी। साथ ही अकेले यात्रा करने की भी इजाजत दी गई थी। सिनेमा घरों पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। मौलवियों की शक्ति को भी कम कर सऊदी अरब खुद को सामाजिक कानूनी और राजनीतिक जीवन की कट्टर धार्मिक परंपराओं से अलग कर रहा है। जुलाई 2021 में सऊदी अरब ने पिता या अन्य पुरुष रिश्तेदारों से अनुमति लिए बिना वयस्क महिलाओं को स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति देने का संशोधन पास किया। इसके अलावा सऊदी अरब ने बिना पुरुष अभिभावक की अनुमति के महिलाओं को इस्लाम में के सबसे पवित्र स्थलों में से एक मक्का जाने की अनुमति दी। हालांकि सलमान से पहले अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने भी सऊदी अरब में कई बदलाव लाए, लेकिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद सऊदी अरब तेजी से उदार बनने की ओर अग्रसर रहा है, जिससे देश में व्यापार और पर्यटन के लिए बेहतर माहौल बन सके। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सऊदी के इस फैसले से कट्टरपंथियों की बौखलाहट बढ़ेगी? इस खबर पर जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।